दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गिर गाय की अकड़न का एक ऐसा इलाज बताने जा रहा हूं जो सिर्फ गिर गाय पे ही नहीं दूसरी गायों पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। हमें जिस हमारे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया है वो हमारे भाई हैं अमरजीत जाट, जो कि अलावालपुर से हैं। और ये पूछते हैं 7 महीने की प्रेग्नेंट है गिर गाय और पैरों में अकड़न महसूस हो रही है, सर इसका उपाय बताइए। वास्तव में जो प्रेग्नेंट गाय के साथ ऐसी समस्या होती है तो पशुपालक की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी वैसी दवा अगर गलती से दे दी, कोई देसी दवा अगर गलती से दे दी जो गर्म तासीर की हो तो दिक्कत कर सकती है। मैं आपको आज 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, 3 ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जिनके इस्तेमाल से आप इस अकड़न को इजीली दूर कर सकते हैं, और नॉर्मल दवाएं होगी जो किसी भी प्रकार का नुकसान आपकी गाय के लिए नहीं करेगी। नंबर 1 जो चीज़ आपको लेनी रहेगी और वो है न्यूरोकाइंड, एक प्रकार की सिरप आती है, यानी ये एक बोतल आती है जिसका नाम है न्यूरोकाइंड। इसको प्लस वेट भी आगे लिखा जाता है, तो न्यूरोकाइंड प्लस आप लेकर के आ जाएं और 50 ml, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 50 ml आप OD देते रहें, दिन में एक बार आप 50 ml देते रहें तो कंटिन्यूसली आराम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो आपको चीज़ देनी है वो है नंबर 2, और नंबर 2 पे आ रहा है पाउडर सोडा फोस। ये फॉस्फोरस का पाउडर होता है, कोई तकलीफ नहीं करेगा, यानी आप सोडा फोस इजीली दिलवा सकते हैं। और सोडा फोस आपको कितना देना है, सोडा फोस आपको देना है 50 ग्राम, बस यही 50 ग्राम OD आपको सोडा फोस देना है, 50 ग्राम OD सोडाफोस दे दीजिए। ये 15 से 20 दिन तक आप दे दीजिएगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब इसके साथ अगर अकड़न ज़्यादा है तो नॉर्मल गोली जो कि किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट प्रेगनेंसी में नहीं दिखाएगी, जिसका नाम है मेलोनेक्स, और ये मेलोनेक्स की गोली आप 2-2 गोली रोज़ दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। दिन में एक बार आपको 2 गोली देनी है मेलोनेक्स। जो प्लान मेलोक्सिकाम की गोली आती है वो आप 2 bolus BD दे दीजिए और फिर देखिए आनंद, कंप्लीटली जो तकलीफ हो रही है अकड़न की वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी।